देवेंद्र जी फडणवीस और तत्कालीन नगर विकास मंत्री और एमएसआरटीसी के मंत्री एकनाथ शिंदे और आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में बहुत सारी जो यातायात की सुविधा बन रही है। इसमें नई मुंबई से जाते वक्त में जो कंजेशन ऐरोले में हो रहा था ट्रैफिक का, हीवी गाड़ी तो बहुत परेशान कर रही थी जनता को, तो ऐरोली ब्रिज से लेके पारसिक के पहाड़ को टनल निकाल के कांटे में ये रास्ता उतरने वाला है। ये 12 किलोमीटर का रास्ता है। शुरुआत में ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक ने इस बात की जिक्र की थी और मांग की थी कि भाई नई मुंबई की जनता को उतरने के लिए मुंबई की ओर जाने के लिए और कल्याणी की ओर जाने के लिए और कल्याण से उतरने के लिए मुंबई से उतरने के लिए रास्ते का बंदोबस्त होना चाहिए। इस बारे में हम लोगों ने विजिट की थी और टनल में भी हम लोग गए थे। गत हिवाली सत्र में नागपुर में इस बात का मैंने फिर से जिक्र किया और अधिकारी उन्होंने सकारात्मक भूमिका रखी है। वहाँ अभी MMRDA के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे इनर टीम में अभी जो आप राइट में देख रहे हो वो काटे की ओर जाने के लिए ये ब्रिज में चढ़ने के लिए ये लेफ्ट बना है और यहाँ से उतरने के लिए लेफ्ट बना है। ये जो होगा तो ऐरोली का कंजेशन, सिलफड़ा का कंजेशन बहुत कम हो जाएगा। लोग विदाउट एक्सीडेंट, क्योंकि ये गर्दी होने के कारण एक्सीडेंट भी सिलफड़ा में बहुत हो रहे हैं। अभी कई लोगों ने बोला कि टोल नाका मिले, टोल नाका तो हम उसको विरोध कर रहे हैं। ये ब्रिज को तो नहीं, वरना है जो ऐरोली का टोल नाका वही हटाओ, ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग करने वाला हूँ। जो नई मुंबई की जनता ने बहुत बर्दाश्त किया है और आगे चल के नई मुंबई की जनता को और परेशानी में न डालो, कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। उस टाइम में संदीप नायक ने ये मांग की थी कि भाई यहाँ से जब इतनी बड़ी रात बेरात जब गाड़ियाँ चलेगी तो बड़े पैमाने पर वापस शोर होने वाला है, आवाज़ का प्रदूषण, तो उसके लिए नॉइज बैरियर का बंदोबस्त उन्होंने किया है। बस्ती से निकलते टाइम में, और मैं तो बोलूँगा कि बस्ती से क्यों, पूरे MRDA से निकलते टाइम पहाड़ तक ये नॉइज बैरियर डाल दो ताकि बाजू के कंपनी के कामगारों को भी इसका तकलीफ ना हो जाए। मेरे अंदाज से आने वाले दिसंबर तक ये होने की संभावना है, कल्याण तक मैंने सील पाटा था। उसके आगे अभी भी बहुत काम जोरों शोरों से चालू है और ये जितना जल्दी हो जाएगा उतने लोगों की तकलीफ कम हो जाएगी। देखिए आज का ज़माना ये है, चिल्लाओ तो कुछ मिलता है, बिना चिल्लाए कि तुम लोग बहुत संतुष्ट हो कोई तुम्हारे दखल भी लेने वाला नहीं। और सदभाग्य से नई मुंबई की आप लोग, आप मीडिया भी बहुत चौकन्नी है, यहाँ के कार्यकर्ता ऑल पार्टी, मैं नहीं बोलूँगा कि हमारे पार्टी के, हम लोग तो 70-80% प्रमाण में हम लोग जागरूक हैं, लेकिन और 30% प्रमाण में और पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं। तो वो सब देखते हुए जनता के लिए आगे चल के आके हेजिटेशन करो, बोलो, चिल्लाओ तो काम बनता है, खामोश रहोगे तो काम नहीं बनेगा। बात ऐसे आज तक का मेरा जो अनुभव है MMRDA के जो भी काम हुए, जब तक प्लानिंग नहीं करते तब तक उनमें दिरंगाई रहती है, लेकिन एक बार उन्होंने सोच लिया तो बाद में एक्यूरेसी में और क्वालिटी में डेफिनेटली आज तक मैंने जो काम देखे संतुष्ट है।